में मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था 21 जुलाई और 22 जुलाई को भारी से ज्यादा बारिश 5 जिलों में हो सकती है। आप देख सकते हैं इस वक्त बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके मुताबिक उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी से ज्यादा बारिश हो सकती है। इसको लेकर के जो पूर्वानुमान जताया गया था यानी 21 जुलाई को जो बारिश शुरू हुई थी वो अब तक लगातार जारी है। आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई के दिन आप देख सकते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, यानी उत्तराखंड के जिन 5 जिलों में भारी से ज़्यादा बारिश की चेतावनी जताई गई थी वो सटीक साबित हुई है। देहरादून में कल रात से बारिश शुरू हुई थी और लगातार बारिश जारी है। वहीं अगर हम उत्तराखंड के उन 5 जिलों की बात करें जिनमें पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, ये वो जिले हैं जहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। इसके अलावा जो और जिले हैं उन पर उनमें भी बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ पर बारिश थोड़ी कम है, मध्यम से थोड़ी कम बारिश नज़र आ रही है। बारिश के कारण काफ़ी दिक्कत लोगों को उठानी जरूर पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ तो कांवड़ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ चार धाम यात्रा चल रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि जो लोग यात्रा के लिए आ रहे हैं पहले वो बारिश का पूर्वानुमान देख लें, उसके बाद ही यात्रा पर निकलें। इसीलिए जो अलर्ट जारी किया गया था उसके हिसाब से सरकार और प्रशासन तमाम इंतजाम किए हुए हैं और कोशिश यही है कि किस तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था वो सटीक साबित हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के लोगों को अपने तमाम इंतजाम करने होंगे और आने वाले समय में, क्योंकि अभी बारिश रह सकती है, तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों को अपने इंतजाम पूरे पुख्ता करने होंगे। अपने सहयोगी सौरभ कुमार के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक देहरादून।